बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलें, जो आज बनाएंगे वो भी आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो आज ये दूसरी सहरी, तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला ये प्यारा और खूबसूरत महीना सबको नसीब करे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला सबके रिज़्क में इजाफा करे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक करे। इसके पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी नेमत अता करे। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, आज दूसरी सहरी है, तो मैं अपने बहन भाई से दूसरी सहरी शेयर करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ सहरी। तो अभी मैंने जो है चूल्हे को जला लिया है, तो मैं पहले बनाऊंगी जी साथ साथ पराठे और साथ साथ चाय, क्योंकि रात को मैंने सालन बना लिया था, तो वो सालन ही हम लोग खाएंगे, उसके साथ साथ दही होगा। तो चलिए जी, आपको दिखाती हूँ हमारी सहरी कैसी होगी। वैसे पता तो सबको है कि सहरी कैसी होती है, क्योंकि सबके घरों में तैयार होती है। खास ये होती है कि सहरी के टाइम हम उठ के तो सहरी करते हैं, बाकी खाने पीने की चीज़ें तो एक जैसी होती है तकरीबन सबके घर। तो चलिए जी, मैं बनाती हूँ सहरी और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कल हम लोग असल में कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों से सहरी शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि टाइम जो दिवाने वाले आते हैं वही पहुँच गए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, जल्दी से मैं बना लेती हूँ सहरी। सबसे पहले जी मैं बनाऊंगी खुश्क रोटियाँ, क्योंकि मेरे मियाँ जो है वो पराठे चाठे नहीं खाते, तो पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो जी, सालन मेरा गर्म हो गया है, क्योंकि मेरे मियाँ जो है वो सालन ही खाते हैं, अंडा वगैरह उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं कर रही हूँ सालन गर्म। रात को हमने बनाया था जी बकरा गोश्त। तो अभी मैं पहले देती हूँ अपने मियाँ को सहरी, और साथ उसके दही होगा, और साथ है जी देसी घी जी रोटियों पर डाल के उनको दूँगी, क्योंकि वो पराठा नहीं खाते, तो फिर देसी घी उनको डाल के देती हूँ। तो अभी जी चलते हैं, उनको देते हैं सहरी। तो जी खुश्क रोटियाँ तकरीबन हो गई हैं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी देसी घी हम लोगों ने मंगवाया है जी गांव से, बहुत अच्छा देसी घी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है माशाल्लाह। शहर में तो आपको पता मिलता ही नहीं असल देसी घी, वो मिलता भी जो है उसमें मिलावट ही होती है, तो गांव का देसी घी खालस होता है। चलें जी, मेरी चाय भी तैयार हो गई है, मैं इसको डालती हूँ। तो चलें जी, मेरे मियाँ की सहरी हो गई तैयार, उनको मैं देती हूँ जी। सालन है, दही है, और थोड़ी सी चाय उन्होंने ली है, तो वो खाते हैं खुश्क रोटी देसी घी के साथ, उनको मैं देती हूँ। उसके बाद खुद करते हैं जी सहरी। ये हमारी सहरी कैसी जा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। चले, आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों की जो सहरी है वो कैसी गुजर रही है, और कल का रोजा जो एक रोजा गुजरा है वो कैसा गुजरा है, रोजे ने तंग तो नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, मुसलमानों को ये महीना अल्लाह ताला ने भेजा है, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके सब मुसलमानों पर रहम करे, अपने महबूब के उम्मतियों पर रहम करे। तो हमें अल्लाह ताला ये अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दिन गुजारने नसीब करे। तो जी सबको मैंने सहरी करवा दी है, अब बारी आ गई है मेरी। मैंने लिया जी एक पराठा और दही, अभी मैं करने लगी हूँ सहरी। मैंने पराठा लिया दही के साथ, तो बस मैं खाती हूँ, उसके बाद 5 मिनट के बाद पीऊँगी चाय। तो मैंने फिर सहरी करने के बाद रोज़ा करना है बंद, तो मैं लेट हो रही हूँ, उसके बाद दोबारा मैं मिलती हूँ आपसे। मैं और मेरा छोटा बेटा है वो चाय पीने लगे हैं, तो सब ने कर लिए सहरी,
और साथ साथ मैंने भी की है, तो चाय हम लोग एंड पे पीने लगे। वैसे तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी जी लस्सी भी साथ, तो लस्सी मैंने दी है जिन बच्चों ने पीनी थी, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने थोड़ी सी मिर्च चाय लेनी है, तो हम माँ बेटा पीते हैं चाय और अजाने ना शुरू हो जाए, तो जल्दी से चाय हम ख़त्म करते हैं। तो ये थी जी आज मेरी दूसरे शहरी की रूटीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।